डीजल की महंगाई से बेहाल किसान हिसार में खुद बैल बनकर अपने ट्रैक्टर को खींचते नजर आए। किसानों की मांग है कि डीजल के भाव इतने बढ़ गए कि अब जरूरी हो गया कि केंद्र और राज्य सरकारें डीजल पर किसानों को 90% तक सब्सिडी दे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिसार से मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। मुद्दा बनाने में विपक्ष भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन वो किसान जिसकी जिंदगी डीजल की महंगाई के साथ झुलसने लगी है, जिसकी खेती डीजल की महंगाई के साथ ही बर्बाद होने लगी है, तमाम वो किसान अब ट्रैक्टर को या खुद ही खींचने का काम कर रहे हैं। बिना पेट्रोल बिना डीजल किस तरीके से वो जिंदगी चलाएंगे, यही संकट अब किसानों के सामने खड़ा है। मुझे बताइए कि ट्रैक्टर को खुद खींच रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तेल की कीमतें इतनी महंगी हो गई, आज हमारे देश का किसान खेती नहीं कर सकता, क्योंकि बैलों की खेती खत्म हो गई, हाथ से काम करना खत्म हो गया, सारा मशीनरी का युग आ गया। किसान की जितनी भी मशीन खेत में काम करती है सारी की सारी डीजल से चलती है। हमारे ट्यूबवेल का जो इंजन है वो डीजल से चलता है, जो 1.5 और 2 लीटर प्रति घंटे के दर से तेल खाता है। किसान के खेत में जुताई का, बिजाई का, नुड़ाई का, गुड़ाई का, थ्रेसर का जो काम करता है वो ट्रैक्टर से होता है। उस डीजल के भाव आज आसमान छूने लगे हैं, जो 90 रुपए से क्रॉस कर चुका है। ऐसी परिस्थिति के अंदर देश का किसान ट्रैक्टर से मशीन से खेती नहीं कर सकता। हमारा धंधा, हमारा काम, हमारी रोजी, हमारी खेती इस तेल की बढ़ती कीमतों से आज पूरी तरह चौपट हो चुकी है। किसान देश का तेल की बढ़ती कीमतों से बर्बाद हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल के दाम जो है वो प्रति बैरल के हिसाब से 15 सालों के न्यूनतम समर्थन रेट पर होते हुए भी हमारे देश के अंदर मोदी सरकार रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। इससे देश का किसान, देश के किसानों की खेती, देश के किसानों की रोजी खत्म हो जाएगी। ये ट्रैक्टर तो कंधे से खींच रहे हैं, लेकिन डीजल का पंप भी क्या हाथ से चलाओगे? देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कोरोना के अंदर कृषि ने देश को बचाया था, पर अब उसको ये लोग अमेरिका और अडानी अंबानी के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देकर खत्म कर रहे हैं। हम कहते हैं 50% किसान को तेल पर सब्सिडी दे, और एक जिक्र और सुना से कि गैस का भी टट्टू पार कर दिया, गैस का भी वही हाल करने जा रहे हैं जो तेल का कर दिया। इसलिए आज किसान बैल बनकर अपने औजार को हम लघु सचिवालय पर जाएंगे, प्रशासन को देंगे कि किसान की क्या गत है, ये देख ले, अपने आका मोदी और खट्टर जी को बता दे कि किसान को आज 90% सब्सिडी तेल के ऊपर देने की आवश्यकता है। खाद बना दी, बीज बना दिया, तेल बना दिया, दाना का भाव कौन ही, भाव से तो खरीदे कौन ही, आज मक्का 1400 बिक रही है, इस हालत में हम कहां जाए? किसान बैल बनकर कितनी दूर तक जा पाएगा? किसान बैल युवा आज बैल बना है। पिछले जो मंदी का दौर हुआ था उसमें लाखों लोगों ने नौकरियां छोड़नी पड़ी थी, जो हमारे युवा साथी शहरों में गए हुए थे उनको नौकरियां छोड़नी पड़ी थी, और उन्हें आकर खेती शुरू की जो छोटे किसान थे, और इस सरकार ने उनको भी ये उठाने के लिए वहां से बेदखल करने के लिए तेलों के और अन्य कृषि यंत्रों के भाव बढ़ा दिए, जिससे युवा जो अपनी घरेलू खेती की जमीन पे कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर सकता था, तो उस इस सरकार ने उसको भी उजाड़ने का काम। बात कही जा सकती है कि किसान अब डीजल की महंगाई को लेकर बेहाल हो चुके हैं, वो खुद बैल बनकर अपना ट्रैक्टर खींचने का काम कर रहे हैं। ये विरोध एक सांकेतिक विरोध आप मान सकते हैं, क्योंकि बिना डीजल के इस्तेमाल के ना तो खेतों में बहाई की जा सकती है और ना ही डीजल के पंप चलाए जा सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़।